In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, Assalamu Alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that everyone is in good health. Well, students, I am your teacher of subject English. So let's start today's lecture. Let me tell you first of all, day and date. So, dear students, today is eight of January 2021 and day is Friday. Let's move ahead to see the unit and topic. And um, hey, the topic of today's lecture is reading. It means that today we are going to do the reading. It's unit 10, beauty and the beast part two. okay, beauty and the beast part two, as you know that, we have already done unit uh, unit 9, beauty and the beast part one. today we are going to do uh, beauty and the beast part two. Um, as you know that we have already read the two pages one zero two and one zero three. okay, we have already read the two pages and in these two pages actually uh, it's been described about the merchant and the uh, and the george how they went to the castle how they get the job and how they um, uh, and they get the treasure back okay uh, means uh, if you remember the beast gave the box of treasure to the merchant and demanded the merchant uh, to get a, uh, get one of his daughter

तीनों में से एक बेटी नहीं दूंगा सो आई मेड हिम अ प्रोमिस मैंने अपना वादा किया है अदरवाइज ही विल किल मी अदरवाइज वो मुझे मार देगा वो मुझे कत्ल कर देगा आई डू नॉट वॉन्ट टू डाई और मैं मरना नहीं चाहता ठीक है ब्यूटी आप ब्यूटी के लिए ओ फादर इट्स ऑल माई फॉल्ट ये सारी की सारी मेरी गलती है यू पिक्ड द रोज फॉर मी आपने जो गुलाब का फूल है वो मेरे लिए तोड़ा था सो आई विल रिटर्न टू द कैसल इन योर प्लेस सो आई विल रिटर्न मैं आपको वापस कर दूंगी टू द कैसल महल में इन योर प्लेस आपकी अपनी जगह पर आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई मैं नहीं चाहती कि आप डाई हो जाए आप मर जाए अप्रैल यस यस यू शुड गो ब्यूटी अप्रैल कहती है कि जी जी यू शुड गो आपको जाना चाहिए ब्यूटी इट्स नॉट फेयर ये अच्छी बात नहीं है जून एंड वी टू और हम भी ठीक है और हम भी जाएँगे कैन फाइंड हजबेंड्स नाओ और हम भी अपने हजबेंड्स ढूँढ लेंगे ठीक है जैक वट डू यू मीन आपका क्या मतलब है जून फादर हैज़ रिटर्न विद ग्रेट ट्रैजर जैक वो जून कहती है कि जो बबा हैं वो बहुत ज़्यादा खजाने के साथ वापस आए हैं वे आर रिच अगेन हम दोबारा अमीर हो गए हैं सो फाइंडिंग सूटेबल हस्बैंड विल बी ईजी तो हमारे लिए सूटेबल हसबेंड्स ढूंढना बहुत आसान होगा जॉर्ज एंड वट अबाउट ब्यूटी और क्या ब्यूटी के लिए क्या होगा अप्रैल वेल शी डिड आस्क फॉर अ रोज एंड फादर ब्रॉट हर वन अप्रैल कहती है कि उसने खुद ही बाबा को कहा था कि उसके लिए गुलाब का फूल तोड़ के लाएं ठीक है She asked for trouble and she has got it एड उसने अब परेशानी के लिए कहा और अब उसे ही इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा जॉर्ज I shall go with her मैं उसके साथ jaunga to keep her safe उसको mehfooz rakhne ke liye ठीक है जॉर्ज kehta hai Now come to the next scene। सम मंथ्स लेटर कुछ महीनों के बाद इन द मर्चेंट्स हाउस मर्चेंट के हाउस में ताजिर के हाउस में मर्चेंट आई डू होप ब्यूटी एंड जॉर्ज आर हैप्पी एंड सेफ मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्यूटी और जो जॉर्ज हैं वो खुश होंगे और महफूज होंगे ठीक है जैक यस दे हैव बिन गोन हैव बिन गोन टू मंथ्स नाओ अब उनको गए हुए दो महीने हो चुके हैं जॉसफ आई होप द बीस्ट हैज़ बिन ट्रीटिंग ब्यूटी वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बीस्ट है वो ब्यूटी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता होगा मर्चेंट आई होप सो so. मुझे भी यही उम्मीद है आई होप सो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ ऑल माई फॉल्ट ये सारी मेरी गलती है एंड नाओ आई एम सिक एंड डाइंग और अब मैं बीमार हूँ और मरने वाला हूँ ठीक है जैक डोंट से डैड फादर फादर ऐसे मत कहें All right. मर्चेंट बट इट्स ट्रू लेकिन ये सच है माई ओनली विश मेरी हम मेरी एक ही ख्वाहिहिहिश है इस डैट द बीस्ट विल अलाउ ब्यूटी टू कम होम टू विजिट मी फोर अ डे और टू बिफोर आई आई डाइ यानी कि उसका जो बाबा है मर्चेंट कहता है कि मेरी ये विश है कि बीस्ट जो है जो जो वो जानवर है जो दरिंदा है वो मेरी बेटी ब्यूटी को एक दिन के लिए तो एक या दो दिन के लिए मेरे पास मिलने के लिए ले आए इससे पहले कि मैं मर जाऊँ द डोर ओपन दरवाज़ा खुलता है एंड जॉर्ज एंटर्स और जॉर्ज दाखिल होता है फॉलोड बाई ब्यूटी ब्यूटी को फॉलो करते हैं विद जॉर्ज हेलो एवरी वन हेलो एवरी वन आई एम बैक वापस आ गया लुक वो आई है me, और देखो मेरे साथ कौन आया है मर्चेंट ब्यूटी एट लास्ट ब्यूटी आखिरकार मैं विश हैज कम टू मेरी ख्वाहिश पूरी होगी आई एम ओवर जॉइड टू शूड सी यू ओवर जॉयड का मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी यू तो मैं आपको देख कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ठीक है कम टू द पेज नंबर वन जीरो फाइव ब्यूटी ओ फादर वट डिलाइट टू सी यू आपको देखिए कितनी खुशी हुई है टू uh, आपको भी देखकर बहुत खुशी हुई बट यू लुक इल लेकिन आप बीमार लग रहे हैं फादर डियर फादर ठीक है ओ फादर वट डिलाइट टू सी यू टू बट यू लुक इल फादर डियर फादर मर्चेंट यस माय डियर बट सीन यू अगेन हैज ब्रॉट न्यू लाइफ इन टू ओल्ड बॉडी लेकिन मर्चेंट कहते हैं कि हाँ जी मेरी प्यारी बेटी लेकिन आपको देख दोबारा मेरी जिंदगी में मेरी ओल्ड बॉडी यानी कि पुरानी बॉडी में मेरी जो बूढ़ी बॉडी हो चुकी है उसमें एक नई जिंदगी की लहर आ गई है कि मैंने आपको इतने टाइम के बाद देखा है ठीक है जून एंड इस अ न्यू ड्रेस यू आर वेयरिंग ब्यूटी जून कहती है कि ब्यूटी क्या ये नया ड्रेस है जो तुमने पहना हुआ है अप्रैल आई सपोज द बीस्ट गिव इट टू यू मुझे लगता है कि बीस्ट ने ये आपको दिया है एंड डिट नेकलेस टू और क्या उसने आपको ये हार भी दिया है ठीक है मर्चेंट डज he ट्रीट यू वेल ब्यूटी मर्चेंट उसके फादर पूछते हैं क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता है easy काइंड टू यू क्या वो तुम्हारे साथ मेहरबान है आगे देखें जी मर्चेंट डज ही ट्रीट यू वेल क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता है ब्यूटी easy काइंड टू यू क्या वो तुम्हारे साथ मेहरबान है ब्यूटी ओ यस फादर ओ यस फादर जी हाँ जी फादर आई स्टे इन अ locked रूम इन द कैसल आई स्टे मैं रही हूँ इन अ locked रूम लॉक्ड ताला लगे हुए कमरे में इन देशल महल के ही ब्रिंग्स मी फूड एवरी डे वो मेरे लिए रोज़ाना ख़ुराक लेकर आता है एंड लीव्स इट आउटसाइड माय रूम और मेरे कमरे के बाहर छोड़ देता है ही सीट्स आउटसाइड माय डोर वो बैठा रहता है मेरे दरवाजे के बाहर एंड टॉक्स टू मी और मेरे साथ बातें करता है एवरी डे ही आस्क मी टू बी हिज वाइफ वो हर रोज मुझसे पूछता है कि मेरी वाइफ बन जाओ आई एम आई एम टू स्टे लॉकड इन माई रूम लेकिन मुझे रहना पड़ता है अपने कमरे में लॉकड टिल आई एग्री जब तक मैं मान ना जाऊं बट ही इज़ काइंड लेकिन वो बहुत मेहरबान है फादर हैिफ्ट मी प्रेजेंट वो मुझे गिफ्ट देता है ही डज नॉट फ्राइटन मी वो मुझे नहीं डराता है एट ऑल बिकॉज आई हैव नेवर सीन हिम क्योंकि मैंने आज तक उसे नहीं देखा जॉर्ज नॉट हैव I फादर और जॉर्ज कहते हैं ना ही बाबा मैंने उसे देखा आई stay इन एन ओल्ड barn मैं रहता हूँ एक पुराने barn में नियर द कैसल कैसल के साथ महल के साथ एक barn बना हुआ है जहाँ पे एनिमल्स रखते हैं फार्म हाउस का होता है जहाँ पे एनिमल्स रखते हैं वहाँ पे मैं रहता हूँ आई गेट फेड वेल मुझे भी बहुत अच्छा खाना दिया जाता है बट द बीस्ट नेवर टॉक्स टू मी लेकिन जो बीस्ट है वो मुझसे कभी बात नहीं करता और लेट्स मी सी हिज फेस और ना ही वो मुझे कभी भी अपना फेस दिखाता है यू कैन सी इन द इन द पिक्चर डेट मर्चेंट इज आस्किंग टू द दू द ब्यूटी अबाउट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द बीस्ट एंड शी इज जस्ट टेलिंग हर फादर डेट आई एम Uh, I'm very happy over there with my uh, with my beast because he's very kind and he's been giving uh, given me many gifts and presents and as well and food as well and George who is been uh, looking after to uh, to his sister over there and he's been living in the barn he said to uh, to the merchant that I've been fed well as well okay so that's all for today's lecture homework is that you have to uh, do pages 102 to 105 okay it's friday so you have a long weekend like two days off so you have to do 102 103 104 105 it's very easy and interesting story okay we are left with the two pages of the english reading so we'll do it inshallah on monday lecture take care of yourself remember me in your prayers allah hafiz